एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हरा भरा कबाब, जो कि पालक और थोड़ी सी मटर के साथ बनाने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सर्दियों में पालक और मटर बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें मटर, तो यहाँ पर मैंने हरी मटर ली है। अब हम लेंगे यहाँ पे पालक, तो पालक को मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है, तो अब हम इसका भी यूज़ करेंगे। तो पानी को गर्म करने रखेंगे और इसमें पालक और मटर दोनों ऐड करेंगे, लेकिन पानी को पहले हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। जब आपका पानी हल्का गर्म हो जाए तो पालक को और मटर को दोनों को इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर पालक ऐड कर दिया है ताकि इसमें जगह अच्छे से बन जाए। अब मैं यहाँ पर मटर भी ऐड कर दूँगी। तो मटर मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। तो अब हम इसे लेड लगा के 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। 5 मिनट बाद जब आप देखोगे ना, तो ये कुछ हल्का हल्का सा बॉईल हो चुका है, तो हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे। तो अब मैंने इसे वापस लेड लगा के रख दिया है। अभी यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो पालक है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है, जितना हमें करना था उतना हो चुका है। मटर भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे ये हल्का से ठंडा हो जाएगा, तो पहले मैं इसे छन्नी से छान लेती हूँ। पालक और मटर पे आप ठंडा पानी ज़रूर डालेगा, उससे क्या है ना, उसका जो हरा कलर है वो बरकरार रहेगा। हमारी मटर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो अभी हमें इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। आप मटर को हल्का सा दरदरा भी रख सकते हो ताकि उसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आए। तो मेरा जार यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, आप चाहो तो बड़ा ले सकते हैं। 7-8 हरी मिर्ची हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, आप जितना मर्जी चाहे ले सकते हैं। अब हम डालेंगे धनिया। मैं धनिए को डंडी के साथ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि डंडी में भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है। अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल पीस लिया है और पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। जो मटर है वो हल्की सी दरदरी है, आप चाहो तो इसे और ज़्यादा बारीक भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये बाउल में बहुत देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इसका आ रहा है, बहुत नेचुरल एकदम ग्रीन कलर है। तो अभी हमें यहाँ पे आलू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 बॉयल आलू ले लिए हैं, उन्हें भी अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 से 3 आलू लिए थे, उनको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहो तो आलू की जगह यहाँ पे पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपके जो हरा भरा कबाब है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो चलिए इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो पालक के अंदर अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, सबसे पहले मैं यहाँ पर आलू ही ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से इसमें आलू को ऐड कर दिया है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। ये आपके जो आलू है ना, आप हाथ से भी फोड़ के डाल सकते हो, बट उसमें क्या होता है ना, कबाब बनाने में उसकी शेप है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए कद्दूकस करके ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा मसाले ऐड करते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे नमक। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी बेसन। तो बेसन मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप खाना पसंद करते हैं तो। बेसन यहाँ पे मैंने रोस्टेड ऐड किया है, यानी कि बेसन को हल्का सा भून लिया था उसके बाद ऐड किया है। और ये देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो भी चुका है। इसको कबाब बनाना बहुत आसान है। तो ये यहाँ पे रेडी है। तो चलिए, हाथ में हल्का सा ऑयल आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा जो कबाब है यहाँ पे बन करके रेडी हो चुका है। और देखिए कितने अच्छे से आराम से इसमें शेप भी आ गई है। बस इसी तरीके की गोल गोल टिक्कियाँ हमको बनानी है। तो चलिए इनकी भी तैयार कर लेते हैं, सारी टिक्कियाँ बना करके, यानी कि कबाब बना के। तो पहले मैं इसको यहाँ पर एक प्लेट में निकाल देती हूँ। अब चलिए बाकी की भी टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे टिक्की यानी कि कबाब बना दिए हैं। अब मैं इसमें काजू ऐड कर रही हूँ, यानी कि सिर्फ ऊपर से गार्निशिंग के लिए काजू लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसमें कोई और चीज़ भी लगा सकते हैं, या फिर बिना काजू के भी बना सकते हैं। एक पैन हमको गरम करना है, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। आप ऑयल भी अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा ऑयल ले सकते हैं। अब हम कबाब को इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाएगा ना, तभी आपको डालना है, ठंडे में मत डालिएगा वरना वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे तेल में ऑयल में कबाब डाल दिए हैं। अभी हमें इसको अच्छे से ब्राउन करना है, यानी कि हल्का हल्का ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बहुत सारे लोग इसे ज़्यादा गोल्डन करते हैं, आप चाहो तो कर सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है। तो अब इसे टर्न कर देंगे, हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। दोनों तरफ से हमें इसे बराबर करके सेक लेना है, तो बीच बीच में इसे पलटते रहिएगा ताकि ये जल ना जाए। अभी आप देख सकते हो यहाँ से भी हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। मैं इसे वापस से टर्न कर देती हूँ।
नीचे से और थोड़ा सा क्रंची बना लेंगे इसको, तो और थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, यानी कि हल्का सा और ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपके कबाब बहुत टेस्टी बनेंगे। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं, हमारे कबाब यहाँ पे बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अभी देखिए हमारे जो कबाब हैं कितने ज़्यादा लजीज लग रहे हैं, कितने ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हैं। जब आप इसे खाओगे ना तो आपके मुँह में बिल्कुल पानी आ जाएगा, इतने ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बने हैं ये। ऊपर से क्रंची क्रंची और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए मैं इसे ब्रेक करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो गाइज़ बनाइए, खाइए, इन्जॉय कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।